तो देखिए, ये हमारा कपड़ा इस तरह फोल्ड रहता है पजामा के लिए। तो हम आज आपको इस पजामा, पटियाला पजामा ही है, बाकी पतला आदमी का है, 2 मीटर पजामा कपड़ा का है। तो इस तरह हम आपको पटियाला पजामा बताएंगे कि किस तरह पटियाला पजामा का कटिंग होता है। तो ये हमारा 2 मीटर का है। तो गाइस, हम क्या ये हमारा बोल पटियाला है। तो हम क्या बोल रहे थे कि सिलाई सीखने में ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। ये इसमें पहला पार्ट सिलाई का इम्पोर्टेंट बोल। और ख़ास करके इंटरनेट पे तो आजकल का फैशन है, सबके घर में स्मार्टफोन रहता है। अब तो अमीर गरीब कोई कुछ नहीं मानता, लेकिन सबके घर में स्मार्टफोन है, तो स्मार्टफोन से आसानी से हमारे नाम को, मतलब हमारे चैनल को, खुशी लेडीज़ टेलर को सर्च कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो से आसानी से आप सिलाई सीख लीजिए। और इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं पड़ता है, इसमें थोड़ा सा खर्चा पड़ता है। अगर मेरा चैनल के माध्यम से सीखना चाहते हैं तो इसमें आपको पैसा दम जरा सा भी पैसा नहीं लगेगा। सिर्फ आपको क्या खर्चा है ये भी आपको हम बता देते हैं। इसमें 100 रुपये का मात्र कैंची लगेगा। देखिए, ये 100 रुपये का एक कैंची आपको चाहिए। 5 रुपया का आपका ये फीता चाहिए, 5 से 10 रुपया तक फीता हो जाता है। 1 रुपया का चौक लगेगा और 3 रुपया का धागा आपको लगेगा, डेम्सी सूता जिसको बोलते हैं, 3 रुपया का धागा लगेगा और 1 रुपया का सुई लगेगा। यानी 5 रुपया उधर, 5 रुपया में सुई धागा आपको मिल जाएगा 100 टका, और इधर आपको 10 टका, 110 टका और 1 टका, और उधर 120 टका में आपको घर बैठे मेरे चैनल के माध्यम से सीख सकते हैं। और कपड़ा, कपड़ा का रहा बात, तो आप पहले नया कपड़ा नुकसान मत कीजिए। अगर आप नया सीख रहे हैं तो नया कपड़ा पे दम मत सीखिए। आप घर में पुराना कपड़ा या भाई, पापा, भैया, पापा, चाचा, दादा, जिसका भी कपड़ा पैंट शर्ट को है, या ऊपर खलता पजामा अगर आपका पापा पहनते हैं या चाचा पहनते हैं, उनको कट करके सूती साड़ी का, या चादर हो, बेडशीट हो, जिसको आप बोलते हैं पर्दा हो, उस पर आप पहले आप मेरा चैनल के माध्यम से ब्लाउज कटिंग, पेटीकोट फर्स्ट स्टार्ट होता है। सिलाई का स्टार्टिंग जो होता है, नॉर्मल सिलाई जो होता है, ऐसे हम लोग रेगुलर जो घर में पहनने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसका पहला पार्ट होता है सिलाई का पेटीकोट। तो पेटीकोट आप चादर पुराना सा ले लीजिए और उस पर हम आप पहले कटिंग करने सीखिए। उसके बाद आप कटिंग करने सीख जाते हैं, उसके बाद आप सुई के माध्यम से आप सिलना सीखिए कि कैसे सिलाई होता है, हेम होता है। अगर आप सिलना जान जाते हैं तो मशीन कोई बात नहीं है, मशीन तो सेकेंड हैंड भी मिलता है, पुराना 1000 टका में, 700-500 टका में मिल जाता है मशीन। नया मशीन भी आप ले सकते हैं। बाकी आपको हम यही बोलेंगे कि आप पहले आप चादर से, पुराना कपड़ा से सिलाई स्टार्ट कीजिए, क्योंकि हम भी यही किए थे और हम भी सीखे थे, पुराना कपड़ा से ही सीखे थे, क्योंकि हम सीखने नहीं, हम चैनल के माध्यम से ही सीखे थे, हम मिट्टी में नहीं गए हैं। इसीलिए आपको मेरा खुशी लेडीज टेलर को आप सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको हम पार्ट बाय पार्ट, इस तरह मेरे जैसा आपको चैनल में कोई नहीं सिखाएगा पार्ट बाय पार्ट। हम आपको हर स्टेप बार बार, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमको चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आखिर ये कैसे होगा, नहीं होगा। अगर आपका घर नज़दीक है तो मेरा घर भी आके आप सीख सकते हैं। तो उसके लिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर नहीं आपको बुझाता है तो कमेंट कीजिए। और अभी आपको हम पहले पार्ट 1 में आपको हम बताए थे कि ऊपर सूट का कटिंग कैसे होता है। तो सूट का कटिंग आपको हम तो हम क्या बोल रहे थे कि आपको हम अपना पार्ट, पहले पार्ट में आपको हम बताए कि सूट का कटिंग कैसे होता है। तो सूट का जरूरी नहीं है कि पहले आप सूट अगर सीख रहे हैं तो नया कपड़ा पे ही ध्यान कीजिएगा। अगर आपका दुपट्टा पुराना सा दुपट्टा है तो उस पर आप मेरा चैनल के माध्यम से सूट कटिंग करने सीखिए। अगर मम्मी आपका सिंथेटिक साड़ी पहनती है तो सिंथेटिक साड़ी पे सूट कटिंग करने सीखिए। चादर, बेडशीट जो भी है आपके घर में, तो उस पर आप छोटा छोटा कपड़ा कट करने सीखिए। उससे आपको क्या होगा, अगर आपका हाथ कटिंग करने बैठ जाता है तो उसके बाद आप नया कपड़ा ही अब अथी कीजिएगा, वेस्ट कीजिएगा। नया कपड़ा क्या होता है, अगर आपका दाम लग जाएगा, अगर आपको कटिंग नहीं करने आता तो वो क्या होगा, गला बेकार हो जाएगा, गला कटिंग नहीं करने आएगा, फिटिंग नहीं करने आएगा। तो ये हम बोलेंगे कि आपको आप पुराना कपड़ा पे ही कट कीजिए। और अभी हमारा चाय का टाइम हो गया है, ब्रेकअप लेने जा रहे हैं, चाय पियेंगे। अगर आपको चाय पीना है तो आइए आप साथ में चाय पी लीजिए। अभी हम जा रहे हैं चाय पीने के लिए। ओके, बाय बाय।
बन गया है, देखिए चाय बन गया है। अब हम लोग ब्रेक लेके चाय पी रहे हैं। अगर आपको पीना है तो आप लोग पी लीजिए, और और खाना कमेंट है करके मेरा। बताइएगा, हम बना के दे देंगे, आप लोग पी लीजिएगा। नहीं, अपना अपना घर में आप लोग चाय पी सकते हैं। अगर आप लोग लोकल है तो सिलाई सीखने आइए, और यहाँ पर चाय, हम लोग को सिलाई भी सीखेंगे, चाय भी मिलेगा यहाँ पर। तो देखिए, पजामा के लिए पहले कपड़ा हम फोल्ड करेंगे। ये देखिए, डबल फोल्ड करेंगे। ये देखिए, डबल फोल्ड कर दिए हैं। डबल फोल्ड करने के बाद देखिए, हमारा चाय पी लिए हैं। आप लोग भी अगर चाय पी लिए तो मेरा चैनल पे आप बैठ जाइए सीखने के लिए। अब फोल्ड करने के बाद इस तरह भी हम फोल्ड कर देंगे। उसके बाद आपको हम बता रहे हैं पजामा का कटिंग से। ये हम, ये देखिए मेरा पजामा आया हुआ है। इसका लंबाई से हम पजामा काटने बताएंगे। ये पजामा की लंबाई 28 इंच है, तो हम क्या लिए हैं, 32 इंच लिए हैं, क्योंकि 1 इंच हमारा उधर मार्जिन होगा सिलाई में, और यहाँ हमारा नीचे की ओर मुड़ाएगा, इसलिए हम 32 लिए हैं। और देखिए, ये पजामा हमारा दूसरे डिजाइन से बना हुआ है, इसलिए हम बता रहे हैं आपको इसी का पजामा का। यहाँ से म्यानी के लिए हमारा देखिए 5.5 पर है, तो हम 7 इंच लेंगे। ये देखिए, क्योंकि हमारा आधा इंच वहाँ सिलने में जाएगा, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 8 इंच ले लेंगे। घोड़ा के लिए देखिए, ये हमारा मेड़ी है, मैन मोड़ी। देखिए, ये हमारा मोड़ी के लिए कपड़ा जो है घोड़ा के लिए 6.5 पर है, तो हम 6.5 नहीं लेंगे, 8 इंच पे लेंगे, क्योंकि 2 इंच हमारा मार्जिन जाएगा सिलने में। और इस जगह से हम इस जगह इस तरह करके मिला लेंगे। ये हमारा पजामा इसी तरह सिला हुआ है, देख सकते हैं यहाँ हमारा कट नहीं है, तो हम कट नहीं देंगे। आप देख सकते हैं ये हमारा कट इस तरह करके मिला लेंगे। देखिए, हम मिला लिए हैं। ये देखिए, हमारा ज्वाइंट जो था कमर, उसको हम कट कर लिए। ये देखिए, अब हमारा क्या है, ये डबल फोल्ड हो गया, दोनों घोड़ा का पजामा हो गया। आप देख सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट सिलेंगे, क्योंकि इसमें हम म्यानी नहीं देंगे, क्योंकि इसमें म्यानी हमारा नहीं दिया हुआ है, इसलिए
लिए हम आपको मियानी नहीं देंगे। देख सकते हैं ये पैजामा जो नाप आया है इसमें मियानी नहीं दिया हुआ है, आप देख सकते हैं डायरेक्ट सिलाई है, तो इसलिए हम डायरेक्ट सिलाई करेंगे, हम मियानी नहीं देंगे। अब हम आपको क्या करेंगे, इसमें कमर निकालेंगे, तो कमर के लिए क्या करेंगे, इस तरह कपड़ा हम ज्वाइंट कर लेंगे। देख सकते हैं दो है इसमें, इसमें दो है और इसमें दो है, तो दोनों को क्या करेंगे, इस तरह करके हम ज्वाइंट कर लेंगे। उसके बाद हम ये वाला पार्ट को जोड़ देंगे, पहले इस पार्ट को ज्वाइंट करेंगे एक करके, इसमें भी एक करके इसमें ज्वाइंट करेंगे, फिर इसी तरह ये पार्ट और ये पार्ट को हम जोड़ेंगे। इसके बाद इस तरह ज्वाइंट हो जाएगा आपका, देखिए सेम इस तरह करके सिलाई हो जाएगा, इस तरह चढ़ जाएगा। उसके बाद इसको जोड़ेंगे, हमारा कमर की चौड़ाई है 20 इंच, तो देखिए हमारा ये 22 इंच पर है, देखिए 1 इंच यहाँ सिलने में जाएगा, 1 इंच यहाँ सिलने में जाएगा, तो ये हमारा देखिए अब यहाँ से हम नापेंगे, तो ये हमारा देखिए 20 बच रहा है, और फिर आधा इंच हमारा इधर सिलने में जाएगा, तो हमारा क्या होगा 20 इंच पर आ जाएगा। 20 इंच पर ये कमर हमारा है, ये हमारा 20 इंच पर है, आप देख सकते हैं, देखिए ये हमारा 20 इंच पर है। तो और उसके बाद हम इसमें इस तरह करके इस तरह मुड़ाएगा, पर्ची के लिए डोरी के लिए से मुड़ाएगा, आपको हम पार्ट टू में आपको हम सिल के बताएंगे, सिलेंगे जब आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह सिलाई किया जाता है। पहले अभी इस पर रख देते हैं। कटिंग करना कैसा लगा, कटिंग करना पटियाला पजामा बहुत इजी है, कोई ज़्यादा भारी नहीं है, देखिए हमारा पजामा कटिंग हो गया, ये जिस तरह इसका नाप था सेम हम इसी तरह कटिंग किए, अगर कि आपका नाप जैसा है उस तरह कीजिए, हम 5 मिनट में भी पटियाला बनाते हैं, जैसा नाप आता है वैसा हम बनाते हैं, बाकी हमारा ये नाप है इसीलिए हम बनाए हुए हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को आप 1000 सब्सक्राइब तक पहुंचा दीजिए, और इस चैनल को इस वीडियो को आप 1000 लाइक तक पहुंचा दीजिए, 1000 लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करिए दीजिएगा, अपनी हो तो कर ही देना। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, और थैंक यू आप हमारे पूरा वीडियो देखें, थैंक यू टू वॉच माई फुल वीडियो। हम आपको कटिंग करने का बता दिया, अब आपको हम सिलाई करेंगे, तो उस समय आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह सिलाई किया जाता है, और हम कैसे ब्यूटी पार्लर का भी कोर्स जानते हैं, ब्यूटी पार्लर का भी सिखाते हैं, अगर आप ब्यूटीशियन सीखना चाहते हैं तो मेरा चैनल इसी खुशी लेडीज टेलर से आप आके मेरा घर में आप सीख सकते हैं। मैं मेहंदी लगाने आप देख सकते हैं, मेहंदी लगाने दुल्हन मेहंदी, ऐसे मेहंदी लगाने, एब्रो बनाने, फेशियल में जितना भी आता है आपको सिखाएंगे। आप मेरा खुशी लेडीज टेलर को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आप लोकल है तो मेरा चैनल एड्रेस दिया हुआ है, गूगल में जाके एड्रेस देख सकते हैं, और जैसे जिला पड़ता है मेरा देवघर, तो आके आप मेरे घर में सीख सकते हैं, मेरा चार्ज ज़्यादा नहीं है ब्यूटीशियन सिखाने का, आप आके हमसे मिल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।